छठवें दिन षष्ठी के दिन हम लोग मनाते हैं और इसमें छठ मैया का पूजा करते हैं। और ये पूजा जो स्टार्ट होती है उनके षष्ठी के दिन, जैसे ही सूर्य भगवान की हम लोग पूजा चालू कर देते हैं और उनके डूबने के बाद जब हमको दिखाई नहीं देते शाम को, तो फिर यहाँ पर रात भर हम लोग पूजा होती है। उसको घर पर जाकर पूजा करते हैं, उनका इंतजार करते हैं रात भर हम लोग। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही सूर्य हमें दिखाई देते हैं तो उनकी पूजा करके उनको दूध और जल मिलाकर अर्घ देते हैं। उसके बाद उनको नमन करते हैं और अपने बच्चों के लिए, माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के जो भी उनके बुजुर्ग होते हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, पति हैं उनके, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए वो कामना करती हैं। और यही प्रार्थना करते हुए सूर्य भगवान की पूजा करके पूजा को ख़त्म करती हैं और अपने व्रत को तोड़ती हैं। छठ के विषय में हमारा श्रद्धा और विश्वास का पर्व है छठ। हम लोग जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत से लोगों ने इसको अपने अपने तरीके से इसको लिया और उसी तरीके से उनकी मन्नतें पूरी हुई, जिसके कारण ही इस पर्व को बनाना चालू किया गया। और ये महाभारत काल से जो है छठ का त्यौहार हम लोग मनाते आए हैं। हमारे सनातन, हमारे जो है बुजुर्ग, हमारे माताएं बहनें इसको बहुत ही श्रद्धा और पूर्वक से मनाती हैं। इस त्यौहार को हमारे पूर्वांचल का ही लोग नहीं, अब तो ये कानपुर, उत्तर प्रदेश, तमाम संगठनों ने, तमाम लोगों ने इसको मनाना चालू किया अपने अपने तरीके से। तो विशेष करके ही हम लोग वो करते हैं कि सूर्य की उपासना करते हैं, माता भगवती के रूप में सूर्य का उपासना करते हैं और अर्घ देते हैं। इस अर्घ का और भी कई प्रमाण हैं कि हमारे बच्चे शुरू से जब छोटे बच्चे होते हैं और उनका हम लोग सभी लोग अच्छे तरीके से मनाते हैं कि हमारा जो है सूर्य का उदय हो रहा है। बुजुर्गों को हम लोग बहुत से लोग सम्मान नहीं करते हैं, तो अस्त का हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम बुजुर्गों का भी सम्मान करें। जिस तरह से अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उसी तरीके से हम लोग जो है अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करें, जिससे ये हमारा इस पर्व का उद्देश्य यही बताता है कि अपने बुजुर्गों का भी उतना ही हम ध्यान रखें जितना हम बच्चों को रखते हैं। ठीक, धन्यवाद।